रहीम अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथे रमजान की सहरी का अब से चंद लम्हों बाद सिलसिले का आगाज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास सरबरा इत्तेहाद बैनुल मजाहिब आलमी तंजीम डॉक्टर अल्लामा शाह फिरोजुद्दीन रहमानी साहब, अल्लामा अब्दुल वहीद कादरी साहब और पाकिस्तान का फखर, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया जनाब शकील सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। और मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले अल्लामा शाह फिरोजुद्दीन रहमानी साहब से कि दो अल्फाज इस मंजर के बारे में जहां लोग इतनी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं, ये रूहानी जो इज्तिमा है इस हवाले से दो अल्फाज अगर आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मैग्निफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم। इस वक्त हम शहरी के मौके पर मौजूद हैं और ये शहरी सुन्नत रसूल है। इफ्तार हो या शहरी, ये सुन्नत रसूल है और ये JDC को सादक मिली है, हासिल हुई है कि हमारे जफर भाई ने, इनके साथियों ने, इनके माबिनीन ने, इनके दोस्त अहबाब ने ये इतना बड़ा एहतमाम किया है। मेरा दिल देख कर ये खुश हो रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोग, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमाए किराम और हमारे, मैं तो ये कहता हूँ कि जब कितना बड़ा इज्तिमा होता है तो ये अनलिमिटेड ग्राउंड होता है। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मकाती बैठे के, हम तमाम कौमियतों के अफराद पर यहाँ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि हम तो इस मौके पर ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे ये सआदत नसीब की है। ये इस वक्त नुमाइश तरह की टेक्स सारी सर मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त शहरी के फराइज अंजाम देने के लिए मौजूद है। बुनियाद पर काम कर रही है। मैं ये अपील करूँगा कि हम तमाम मकातिब फिक्र, तमाम कौमियतें और तमाम मकातिब फिक्र इस सिलसिले में भरपूर तआवुन फरमाएं, अपने ज़कात, अपने फितरा और दीगर तरीके से जो आप मामिनत करते हैं इस सिलसिले को जारी रखें, इसको प्रमोट करें और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि आप इस मुल्क में कितनी बड़ी तब्दीली इन नौजवानों के जरिए से आई। अल्लाह ताला इन जगह खैर अदा फरमाए और इस जज्बे के साथ यकी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोग कलम तेरे। बहुत शुक्रिया फिल्ला दुआ को मैं परवरदिगार आलम आपका साया सलामत रखे और इसी तरह आप इत्तेहादी बैनुल मजाहिब इत्तेहादी बैनुल मसालिक के लिए काम करते रहें। गुजारिश करूंगा चेयरमैन इंटरनेशनल बैनुल मजाहिब व बैनुल मसालिक कौंसिल जनाब अल्लामा वहीद कादरी साहब से कि अपने ख्याल कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से JDC जो इस वक्त काम कर रही है पूरी दुनिया में नाम कर रही है। माशाल्लाह से जिस तरह ये सहरी और अफ्तार का जो प्रोग्राम कर रही है और लाखों लोगों को जिस तरह ये सहरी करवा रही है, अल्लाह ताला इनको दिन गया मिला का तरक्की कामरान इस्तकामत तसीब फरमा उरूज बुलंदी में। और जफर भाई को हमें, जफर भाई के लिए खास दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत ताकत तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और इस तरह बढ़ चढ़ के काम करने की तौफीक है। आमीन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान के बैन अवी शहरत याफ्ता बल्कि हमारे भाई, हमारे बड़े जनाब शकील सिद्दीकी साहब, कोविड के दिन हो या कोई भी मुश्किल घड़ी हो हमारे साथ मिल के राशन बांटना, अलग इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उस वक्त पड़ोसी मुल्क में इनके शोज भी चल रहे थे, वहाँ से आना और साथ मिल के राशन बांटना और बल्कि इनके साथ खुद ऐसा वाकया हो गया, इनके घर के बाहर से इनकी गाड़ी चोरी हो गई और उसके बावजूद लोगों के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए करते हैं। और शकील भाई शायद आपके चाहने वाले बैठे हैं कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी जो मेरी चोरी हुई शायद चोर को ज़्यादा ज़रूरत थी, चलो अल्लाह उसका भला करेगा लेकिन करेगा नहीं। चोर कब तक बच के रहेगा? अच्छा जी, सबसे पहले तो
मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जफर को, मेरा छोटा भाई है। मुझे पता जलन होती है कि इतनी नेकी कमा रहा मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। अल्लाह जानता है जो ये कर रहा है ना, इस उम्र में तो लोग वेस्पा ले वो गाड़ियाँ लेकर ना 50 उसके साइलेंसर डाल के घूम रहे होते हैं। जब से इसने काम करना शुरू किया अल्लाह इसको इसका अजर देगा। देखिए क्या है, मुझे कुछ एक जोक्स भी सुनाने की जगह मैं आखिर में सुना दूंगा। हम सिर्फ आदमी हैं, हम इंसान नहीं हैं। अब बोलेंगे ये क्या बात है, मैं उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। आदमी इंसान में क्या फ़र्क है, आदमी बताने के लिए जानवर डालना ज़रूरी है इसमें। अक्सर आपके घर पे कुत्ता आता है, वो खाने के लिए कुछ ढूंढता है, आप आते हो पत्थर मारते हो भाग जाता है, फिर वापिस आता है, फिर हड्डी लेकर भागता है, तो वो जानवर है। आदमी क्या है, खुद कमाता है, खुद जाता है, मेहनत करता है, घर पर पैसा लाता है, दस्तरखान बिछाता है, दस्तरखान पर खाना पकवाता है, घर वाले बैठते हैं, सब आदमी के बच्चे बन के खाना खा रहे होते हैं। अब इसमें इंसान डाल देते हैं तो सारा प्रोसेस ऐसे ही होता है। आदमी जाता है, कमाता है, लाता है, घर में दस्तरखान बिछाता है, निवाला उसका होता है, मुँह किसी और का होता है, वो है इंसान। तो ये इंसानियत की खिदमत कर रहा है। अब लोग कहेंगे कोई अपने पल्ले से थोड़ी कर रहा है, भाई तुम कर लो ये काम जो कर रहा है, तुम कर लो, तुम तो इसके राह में कांटे बिछा रहे हो। कई लोग कांटे बिछाते हैं, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो भाई इसका अल्लाह का मामला छोड़ दो। हमारी कौम में क्या है, मैं हमेशा कहता था, एक लतीफ़ा कहता था कि दोजख में तंदूर के पास ना सब जगह पुलिस होगी, सब जगह गार्ड होंगे, पाकिस्तानी तंदूर में पुलिस नहीं होगी, क्योंकि जो निकलेगा नीचे वाला खींच लेगा। ये हमारी कौम है, तो अल्लाह ताला इसको इसका अजर देगा। और अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह से हमेशा सर बुलंद रखे और ऐसे ही तुम लोगों के काम आते रहो, आप जन्नत में घर बना रहे हो। मेरे ख्याल में बागीचा भी बना लिया आपने, बहुत कुछ बना लिया। जाते जाते मैं एक जोक सुना देता हूँ। गर्मी बहुत आ गई, आने वाली है, यहाँ पे ख़वातीन भी, मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं, माँ बहनें, और मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है मैं भी आप लोगों के साथ बैठ कर भी खाऊँगा कि गर्मी बहुत पड़ गई है। तो दफ़ा कराची में भी गर्मी आपको पता कैसी पड़ती है, अजाब गर्मी होती है। तो एक आदमी दुआ मांग रहा था, अल्लाह ने इतनी बारिश करके ज़मीन की चीज़ें बाहर आ जाए, तो दूसरा दोस्त कहने लगा अपनी दुआ वापस ले ले यार, मेरी दो बीवियाँ दफन है वो भी निकल के आ जाएंगे। तो हम मरी भी बीवी से डरते हैं, अल्लाह ने ताकत इतनी दी है, कहते हमारा बिल पास नहीं हो रहा है, इतना बिल पास हो रहा है मर्द बिल बजाने लगे, कहे तो बिल भी चले गए। आखिर में ज़्यादा ज़्यादा ही कहूँगा, शफ़त तारा भी यहाँ मौजूद है, ये भी अपना इदारा चला रहे, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ज़फ़र के लिए आप लोग दिल से दुआ किया कीजिए, जब हाथ उठे ना दुआ के लिए तो दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला इसको ऐसी ताकत दे और ये कभी बीमार ना पड़े। ये कोविड हो, कैसी कैसी कोविड आई है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की है। आपने देखा ना, इसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह इसके साथ है। तो बंदे कुछ भी करते रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सहरी शुरू कीजिए, शहरी की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है और बिल्कुल नुमाइश चौरंगी से शहरी की तकसीम का अमल जारी है। मैं अपने बेटे को भी साथ लाया हूँ, मेरा बेटा भी अब शोबिज़ में आ गया, तो मैंने उसको यहाँ जान बुझ के लाया हूँ कि यार जिंदगी का क्या पता, तुम भी इसके साथ आते जाते रहना जिंदगी में, जितना ये काम कर रहा है इसकी हेल्प आउट करना। मेरा सारू भी साथ है, सुहेल तो हमेशा साथ रहता है। तो मैं और ये माहौल ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ या अपने घर में बैठा हूँ और मेरे सारे खानदान के लोग बैठे हैं। नफरतें ख़त्म हो गई है, हर फिरके के लोग कंधे से कंधे मिला के बैठे। जाओ दुनिया को दिखाओ, ये है पाकिस्तान की असल शक्ल, ये है असल शक्ल जो कंधे से कंधा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, मुझे पता है शहरी अभी मिली नहीं है, जोर से बोले पाकिस्तान। थैंक यू।